गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका एक्सप्लोरिंग। बहुत दिनों बाद ये वीडियो आ रही है बिकॉज मैं ट्रैवल ज्यादा कर नहीं रही थी। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई हैव कम टू विजिट नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नेत्रावली गोवा में लोकेटेड वेस्टर्न घाट्स में, और यहाँ पर एक ब्यूटीफुल जगह है विच इज कॉल्ड बुड़बुड़ लेक। तो मैं इस वीडियो में आपको बुड़बुड़ लेक दिखाने जा रही हूँ। सो लेट्स गो। आफ्टर दैट वी विल विजिट स्ट्रॉबेरी फार्म and a beautiful waterfall as well, so stay tuned. This is the small temple, and बुड़बुड़ लेक is famous for water bubbles. So यहाँ पर पानी में bubbles आते हैं if you clap, you know, in and around बुड़बुड़ लेक. So that's why it is called बुड़बुड़ लेक. You have to be silent here. There are lots of boats around that you have to keep silent. See the bubbles there. अभी मैं zoom करके नहीं दिखा सकती action camera में. So देखो यहाँ पर बहुत सारे bubbles हैं, उधर भी हैं. So if you clap, you will be able to see more bubbles. And यहाँ पर बहुत fish भी हैं. Oh my God, आ गई bubbles आ गई. ये देखिए यहाँ पर बहुत फिश है, यू कैन सिट हियर। और ये आप छोटा सा एरिया देख रहे हो बीच में, यहाँ पर अभी तो बहुत झाड़ उग गए हैं, लेकिन यहाँ पे शंकर जी का त्रिशूल है एंड लुक्स लाइक यू नो शंकर जी का टेंपल, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। दिस इज दी बबल लेक, बुड़बुड़ लेक। बहुत सारे फिश हैं यहाँ पर छोटे छोटे, एंड दिस इज कंसिडर्ड एज अ सेक्रेड लेक। यहाँ पर बीच में देखो लोगों ने बहुत कॉइन्स भी डाले हुए हैं। दिस प्लेस इज फार अवे फ्रॉम द कमर्शियल एंड अदर टूरिस्ट स्पॉट्स ऑफ गोवा, एंड दैट इज व्हाई इट इज क्लीन एंड पीसफुल। ऑल्सो द एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री। दिस प्लेस कैन बी विजिटेड थ्रू आउट द ईयर, बट इन मॉनसून सीजन लेक विल बी फुल ऑफ वाटर एंड विल लुक इट्स बेस्ट। बिसाइड द पॉन्ड इज अ गोपीनाथ टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा। It is located about 45 kilometers from Margaon railway station and 75 kilometers from Panjim city, which is the capital of Goa. This is the entrance of temple and Bud-Bud lake. Netravali is the biggest wildlife sanctuary of Goa, covering around 200 square kilometers, situated in Sangvim taluka, South Goa. The sanctuary is a home to a vast variety of animals like snakes, insects, butterflies, bison and tigers as well. You can enjoy this wildlife sanctuary with a two-wheeler. आप बस एक स्कूटर रेंट करके पूरा डे इधर स्पेंड कर सकते हो। There are many other things here to see. So we will watch in this video. See so many strawberries I have plucked. सो स्ट्रॉबेरी फार्म्स देखने के लिए आपको इस माउंटेन के टॉप पे जाना पड़ेगा। वहाँ पर एक विलेज है बाय द नेम विरलेम, और यहाँ पर दिसंबर एंड जनवरी मंथ में काफी स्ट्रॉबेरी फार्मिंग होती है। थैंक यू। देयर आर टू बेस्ट सीजन टू विजिट नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन इज मॉनसून एंड वन इज विंटर सीजन। सो मॉनसून बिटवीन जून टू अगस्त और सितंबर, एंड उसके बाद विंटर सीजन चालू होता है, तो अप टिल फरवरी यू शुड विजिट नेत्रावली। सो फाइनली हमें स्ट्रॉबेरी फार्म मिल गया है और हम अंदर जा रहे हैं बाहर गाड़ी पार्क करके। एंड यहाँ पर दो तीन फार्म है, आप किसी भी फार्म में चले जाएं आपको 20 rupees एंट्री फीस देना पड़ता है। गाइस, आपने अभी स्ट्रॉबेरीज बॉक्सेस में देखा होगा, मार्केट से खरीदा होगा, कभी आपने स्ट्रॉबेरीज का फार्म देखा है। सो आई एम हियर एट स्ट्रॉबेरी फार्म इन नेत्रावली गोवा। यहाँ पे बहुत ठंड पड़ता है विंटर सीजन में, लाइक इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी, और ये यहाँ पर कल्टीवेशन करते हैं स्ट्रॉबेरी का। सो लुक एट दिस स्ट्रॉबेरी, दीज आर द फ्रेश स्ट्रॉबेरी प्लक्ड हियर राइट हियर इन दिस फार्म। थैंक यू। तो स्ट्रॉबेरीज के अलावा काफ़ी सीजनल वेजिटेबल्स की यहाँ पर खेती होती है। दे ग्रो कॉलीफ्लावर, बीन्स एटसेट्रा एंड मेनी अदर थिंग्स। आप बीन्स तोड़ रहे हो ना? हाँ? दिखा सकते हो वैसे? हाँ। ये इसी सीजन में होता है? हाँ। गर्मियों में नहीं होता? नहीं। ओके।
और ठंडिया है ना हाँ। इधर का जाता ओके आप इधर ही रहते हो हाँ। ओ उधर का घर ये सारा स्ट्रॉबेरी आप उगाते हो हाँ। ओके कब से स्टार्ट होता है इसका स्ट्रॉबेरी सीजन वो दो महीने हुआ दिसंबर में होता है ना हाँ। क्या रेट में मिलता है इधर स्ट्रॉबेरी 80 रुपीज में कितना एक बॉक्स 80 रुपीज सो आई एम प्लकिंग स्ट्रॉबेरीज ये निकाल लिया मैंने ओह नाइस दिस इज आल्सो नाइस पूरा क्या निकाल लेनी छोटा छोटा है दीज आर स्मॉल स्ट्रॉबेरीज पूरा क्या संतोष है तो यहाँ पर बहुत सारा ऑर्गेनिक फूड है बनाना और दिस इज सूरन राइट और ये क्या है शलगम शलगम नो एंड दिस इज कॉलीफ्लावर ओके सो लॉट ऑफ ऑर्गेनिक ये क्या है ये शहद है वाओ ये यहीं पे आपके फार्म में ही होता है कितने का है ये 400 कितना है इसका वेट 250 ग्राम है ना और ये क्या है हल्दी ओके और ये क्या है ये तो कैरी है ना कैरी है ना ये स्ट्रॉबेरी है आपके पास स्ट्रॉबेरी परचेज करेंगे पैदल वाड़ा इधर बाइक नहीं जाता क्या जाता है ना ये क्या है स्वीट पोटैटो ये कैश फ्रीज है अरे हमें काफी है तो हम यहाँ पर ऑफ रोडिंग कर रहे हैं और यहाँ पर कच्चा रास्ता है जिसमें हम चला रहे हैं बाइक आगे हम एक स्ट्रॉबेरी फार्म देखने गए थे वहाँ पे भी सेम प्राइस है 80 रुपीज का एक बॉक्स है एंड एंट्री भी देना पड़ता है यहाँ पर 20 रुपीज एंट्री इफ यू वॉन्ट टू विजिट और गो इन साइड स्ट्रॉबेरी फार्म तो हम लोग फार्म में गए और हमने स्ट्रॉबेरी खरीदा ऑर्गेनिक हल्दी भी खरीदा हमने सो दीज आर द सीन्स ऑफ अ विलेज इन गोवा टिपिकली जो गांव होते हैं वो कुछ इस तरह के दिखते हैं काफ़ी सारी कोकोनट ट्रीज यू कैन सी एंड लॉट ऑफ वेजिटेशन बेसिकली इट्स वेरी ब्यूटीफुल तो अभी मैं आपको एक वाटरफॉल दिखाने जा रही हूँ जो नेत्रावली में है यहाँ पर मेजर दो वाटरफॉल है एक है सावरी वाटरफॉल एंड दी अदर वन इज मैनापी मैनापी के लिए बहुत ज़्यादा वॉक करना पड़ता है सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स सावरी एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड and we are going to Savari waterfall I'll show you how to reach at Savari waterfall hum trekking karke nahi ja rahe hain matlab yahan par stairs hain stairs se thoda sa idhar chal ke jana padega stairs we will find little further so let's start the journey this is the forest area in Netravali that's the main road wahan par aap apni gaadi park kar sakte ho उधर एंड देन यू कैन कम फ्रॉम दैट साइड एंड इधर से वॉक करके हमको जाना है यहाँ पर आपको बीच में साइन बोर्ड्स भी देखने को मिल जाएंगे काफ़ी सारे विच इज शोइंग यू द वे टूवर्ड्स वाटरफॉल अभी हम 100-200 मीटर वॉक करके आ चुके हैं और यहाँ से पानी का आवाज़ आना चालू हो गया है उधर से आ रहा है पानी का आवाज़ वाटरफॉल है उधर आगे जाके थोड़ा वॉक करना पड़ेगा और And we have to get down the stairs. So many people are coming here. Please make sure to abide the rules and regulations. Abhi idhar se stairs chalu ho gaye hain and we are going down. Waterfall idhar se dikh raha hai already. We'll go a little closer. Look at the waterfall. Sorry, I can't zoom in. So beautiful. So, abhi hum waterfall pahunch chuke hain. That's the waterfall. Let's go down there at the bottom.
सो ये थी छोटी सी झलक सावरी वाटरफॉल की। आई होप यू लाइक्ड दिस वाटरफॉल एंड यू विजिट हियर। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया एंड दिस इज़ हाउ आई विजिटेड नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, आप भी आओ विजिट करो, लेकिन आप प्लीज़ इस जगह को गंदा मत करो, प्लीज़ डू नॉट लिटर दिस ब्यूटिफुल प्लेस। एंड 4 बजे के बाद यहाँ पर एंट्री बंद हो जाती है क्योंकि यहाँ पर टाइगर्स आते हैं पानी पीने। मैंने पहले भी इस वाटरफॉल का काफ़ी डिटेल्ड व्लॉग बनाया हुआ है, अगर आपको वो देखना है तो मैं इसका लिंक इधर दे दूँगी, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है हाउ टू रीच हियर। तो अभी मैं 300 स्टेयर्स क्रॉस करके जाने वाली हूँ, नॉट एन ईजी टास्क विद दिस हैवी बैग, सो लेट्स गो। सो नेत्रावली सेंचुरी गोवा की सबसे बड़ी और बहुत अच्छी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगर आपको पीसफुल टाइम इन्जॉय करना है देन यू शुड विजिट दिस प्लेस एंड आई एम श्योर दैट यू विल लव इट। आई होप यू इन्जॉयड वॉचिंग दिस वीडियो एंड द इन्फॉर्मेशन वॉज गुड फॉर यू। इफ यू वॉन्ट टू इन्जॉय मोर सच वीडियोज़, please do subscribe my channel and check out my other videos as well.